नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपका भाई भी मस्त बढ़िया है। दोस्तों दिस वीडियो इज वेरी वेरी डिमांडिंग। दोस्तों इस वीडियो का बहुत मांग था। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि भर जा रहा है दोस्त, मैसेज आते आते, उसके बाद में फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहा है। दोस्तों लोगों का एक ही सवाल है कि मुकेश बाबा का आश्रम कब खुलेगा? क्या मुकेश बाबा का आश्रम खुल गया है क्या? क्या हम लोग आएंगे तो मुकेश बाबा से भेंट हो जाएगा क्या? मतलब तमाम तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए मुकेश बाबा का आश्रम दोस्तों खुल चुका है। आश्रम पे आप लोग जा सकते हैं। हम तो यही सलाह देंगे कि आप लोग 7 तारीख के बाद जाइए। मैंने मुकेश बाबा से बातचीत किया, डायरेक्ट बातचीत हुआ। बोले कि देखिए साजन, देखिए हम बैठ रहे हैं, मतलब आश्रम खुल गया है, लेकिन हम 7 तारीख के बाद कंटिन्यू हो जाएंगे। हमारे आश्रम पे जब भी लोग आएंगे हमसे भेंट मुलाकात होगा। दोस्तों जब आप लोग को इतना ज्यादा इंतजार है मुकेश बाबा का, इतना ज्यादा आप लोग बेचैन है उनसे मिलने के लिए, तो आप लोग 7 तारीख के बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाकर मिल सकते हैं। दोस्तों इस समय भी आप लोग जा सकते हैं, आश्रम खुला हुआ है, लेकिन वही 2-3 घंटा आश्रम पे रहेंगे और पता नहीं कब रहेंगे नहीं रहेंगे, अब इसका तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 7 तारीख के बाद आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यू बैठेंगे, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगा, आप लोग उनसे कह सकते हैं, अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। जो भी हो दोस्तों 7 तारीख के बाद आप लोग मिल सकते हैं उनसे। दोस्तों लोग इतना मैसेज कर रहे हैं कि रिप्लाई देना मुश्किल हो जा रहा है। दोस्त हमारे व्हाट्सएप पे दोस्त 10-20-50-100 मैसेज लोग भेज रहे हैं। इतना ज्यादा बेचैन है मुकेश बाबा से मिलने के लिए लोग कि हम क्या ही बताएं। और दोस्त विदेशों से भी लोग उनसे बेचैन मिलने के लिए, नेपाल से, अमेरिका से, न जाने और भी कई देशों से लोग उनसे मिलना चाहते हैं मुकेश बाबा से स्वयं। तो दोस्त सभी लोग मैसेज कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में मैसेज कर रहा है तो कोई हिंदी मैसेज कर रहा है। तो भाई सभी लोगों का मैसेज देखना है, सभी लोगों का रिप्लाई देना तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है दोस्त, क्योंकि एक लोग, दो लोग, 10-20 लोग का नहीं है ना दोस्त। 1500 लोग मैसेज भेजेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का स्टोरेज भी फुल हो जा रहा है और हम सबका रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करते हैं दोस्त। अब एक वीडियो बना के डाल दिए, सभी लोग देख लेंगे, सभी लोगों को जानकारी मिल जाएगा। अब सोचिए कि सबको रिप्लाई दे, बारी बारी से सबसे बात करें दोस्त, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास कोई कस्टमर केयर बैठाना पड़ेगा तब जाकर सभी लोगों से बात हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को जो भी वीडियो में जानकारी मिल रहा है, हम बोल ही देते हैं ना कि वीडियो में जो जानकारी देंगे वो सही जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो देख लीजिए और कंफर्म जानकारी कर लीजिए कि नहीं, मतलब जानकारी यही है, जो अपडेट है यही है। और दोस्तों वीडियो को ये देख लीजिए कि वीडियो किस तारीख का है, किस डेट का है, क्योंकि वीडियोज के आगे लिखा रहता है 1 डे एगो, 2 डे एगो, मतलब 3 डे लेटर, मतलब इस तरह से वीडियो जिस तरह से रहता है, जिस डेट का रहता है उसका कंफर्म, मतलब क्लियर डेट भी नीचे लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। तो हम दोस्तों आप लोग की समस्या को, आप लोग की परेशानी को, आप लोग के दुख को समझ रहे हैं दोस्त। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और फिर गुस्सा आ जाते हैं कि साजन भाई आप रिप्लाई नहीं देते हो। भाई मैं कहाँ से रिप्लाई दे पाऊंगा, 1-2 लोग 10-20 लोग का नहीं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा, सभी का रिप्लाई करने में पूरा टाइम निकल जाएगा। और दोस्तों हमारी जगह और भी बहुत सारा काम है, और भी कुछ करना है, अपना तैयारी भी कर रहे हैं दोस्त, पढ़ाई भी चल रहा है, स्टडी भी चल रहा है, तो सब कुछ इसमें मैनेज करना है। तो भाई कैसे मैं रिप्लाई कर पाऊंगा सभी लोगों का व्हाट्सएप, उतना व्हाट्सएप में चलाऊंगा तो हमें कस्टमर केयर बैठाना पड़ेगा, तब जाकर सभी लोगों का रिप्लाई दे पाएंगे, क्योंकि ये लोग 1-2 लोग कहा ही नहीं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह का सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग का जो भी सवाल है आप लोग कमेंट सेशन में लिखिए, क्योंकि कमेंट सेशन में आप लोग लिख देंगे तो वहाँ पे आपका हो सकता है रिप्लाई मिल जाए, या तो हो सकता है भाई वीडियो उसका मिल जाए, इसलिए आप लोग कमेंट सेशन में अपनी परेशानी को बता सकते हैं। बाकी का दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे आराम मिले, तमाम तरह के लोग हैं भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साजन भाई हम मुकेश बाबा के एक बार गए, हमको बहुत ज़्यादा आराम हुआ, हमको बहुत ज़्यादा भलाई हमारा हो गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आपको जहाँ से भलाई हो यही तो इंसान सोचता है। इंसान देखिए, कोई भी इंसान कितना हो तेज हो, कितना हो पढ़ा लिखा हो, जब वो परेशानी में, परेशानियों के दलदल में फंसता है दोस्त ना, तो सोचता है कि हम किसी प्रकार से ठीक हो जाए, किसी प्रकार से इस समस्या से हम निकल जाए। जो जहाँ कहता है हम लोग वहाँ जाते हैं कि यार कहीं से भी भलाई हो जाए, हम लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह दिखा कर, हर जगह से दवाई वगैरह करा कर रखे, परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटलों का चक्कर काट काट कर। तो जो लोग जहाँ कहते हैं हम लोग वहाँ जाते हैं लेकर अपनी परेशानियों को, हम लोग यही सोचते हैं कि यार हो सकता है उसका वहाँ से ठीक हुआ है तो हमारा भी सही हो जाए, इस तरह से आदमी हर जगह जाते हैं। और दोस्तों 100% तो कहीं सही नहीं होता है, 100% कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी आश्रम हो या कहीं भी कोई भी समस्या का 100% इलाज नहीं होता है दोस्त। लेकिन हाँ, आप लोग धैर्य रखेंगे, आप लोग घबराएंगे नहीं, तो भाई समस्या का हल होता है, हर समस्या का हल है यहाँ पे। तो कोई भी समस्या आ सकती है तो जा भी सकती है,
जो जो चीज आया है दोस्त उसको जाना जरूरी है। इंसान इस धरती पर आया है तो इसको एक दिन जाना है। इसलिए दोस्त जो भी चीजें आती है उसको जाना तय है, और जो चीज कुछ चीजें हैं कि जो कि पहले से है तो उसको नहीं जाना है, लेकिन जो चीज आई है चलकर उसको जाना तय है, जाएगी। लेकिन आप लोग घबराएंगे तो नहीं जाएगी दोस्त, आप लोग घबरा कर यहाँ वहाँ भागेंगे इस तरह से, क्योंकि दोस्तों होता है कि जब इंसान हर जगह से परेशान हो जाता है, हॉस्पिटलों का चक्कर काट कर परेशान हो जाता है, तो लास्ट में उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि यार सुसाइड कर ले क्या, मर जाना ही बेहतर है। यार लगता है कि मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि इस समस्याओं से मतलब लड़ना से अच्छा है कि मर जाए और सुसाइड कर ले। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्त, ये गलत बात है। ये सब चीजें हमारे साथ भी होती है, हर इंसान के साथ होती है। हो सकता है आप लोग के भी साथ भी ये समस्या होती हो, आप लोग के पास इतना कभी कभी समस्या बढ़ जाती हो कि आप लोग को लगता है कि हम मर जाएं क्या, सुसाइड कर लें क्या, तमाम तरह के ख्याल मन में हमारे दिमाग में आते हैं दोस्त। लेकिन धैर्य से काम लेना है, धैर्य रखिए। कहते हैं ना कि कैसे तो है कि धैर्य रख उतर जाए पारा, मतलब धैर्य रखो, जो भी समस्या है जो भी है प्रॉब्लम वो उतर जाएगा, सही हो जाएगा। घबराइए नहीं दोस्त, जो भी हो आप लोग के पास समस्या घबराइए नहीं, सही हो जाएगा। बाकी का दोस्तों आप लोग को जानकारी देना, आप लोग का मदद करना, आप लोग का सपोर्ट करना, आप लोग का हेल्प करना ही हमारा काम है। हम दोस्त सोचते हैं यही कि आप लोग का मदद हो। 225 लगभग 20-25 हज़ार लोग हमारे साथ वैसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो लोग देखिए दोस्त वैसे ही लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं दोस्त, परेशानियाँ हर किसी के साथ है। परेशानियाँ यहाँ धरती पर जो भी इंसान है सबके साथ परेशानियाँ है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास बहुत है, लेकिन परेशानियाँ सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ है। लगता है यार कि कभी कभी लगता है ऐसा कि लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग हम ही हो गया है, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाती है या कोई भी समस्या आ जाती है तो लगता है कि यार हम ही को सबसे बड़ा समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्त, ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जब इंसान ठीक नहीं होता है, जल्दी दवाएं काम नहीं करती है, बहुत सारी दवा होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, एलोपैथी में आदमी कर करके परेशान हो जाता है, तो फिर सोचता है कि यार क्या करें, मर ही जाना बेहतर है क्या। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्त, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग की समस्या का समाधान होगा। लेकिन हाँ, आप लोग सही जगह पर इलाज करिए, सही जगह पर दिखाइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो जब तक उस प्रॉब्लम को, जब तक उस समस्या को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसका इलाज कैसे किया जाएगा। इसलिए आप लोग पहले उस जड़ को पकड़िए, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। प्रकार तमाम तरह की जांच है, तमाम तरह की मराइयां हैं, तमाम तरह की चीजें होती है दोस्त, आप लोग जाकर करा सकते हो अपने समस्या के हिसाब से, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर, अच्छे लोगों से मिलकर, अच्छे दोस्तों मित्रों, बहुत सारे लोग हैं जो कि कभी कभी उस समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, उस समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उसे वो निवारण कैसे लिए हैं, उनसे भी बातचीत करके आप लोग समझ सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। बाकी का दोस्तों और भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका भाई आपका पूरा मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। हेल्थ इज वेल्थ दोस्तों, स्वास्थ्य ही धन है। आप लोग भी ये जरूर सोचते होंगे कि साजन भाई हर वीडियो में बोलता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे हेल्थ का बहुत ज्यादा फिक्र है, क्योंकि दोस्तों अगर हेल्थ खराब हो जाए दुनिया में कितना धन है आपके पास, सब कुछ बेकार लगता है। अगर आपकी हेल्थ सही रहे, अगर आप सही से रहें, आप अच्छे से रहें, आप स्वस्थ रहें, तो यार आपके पास जो भी चीजें हैं आप उसी में खुश रहेंगे। लेकिन आपके पास अगर अगर आपके पास मान लीजिए लाखों रुपए हैं और एक तरफ आपका हेल्थ सही नहीं रहा है, आपका हेल्थ हमेशा खराब है, आपको एक ना एक रोग आ रही है, एक ही ना एक दुख से आप परेशान है, तो आपको वो सब बेकार है दोस्त, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप लोग की खुद ये सब फील किए होंगे दोस्त अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में। अब जब आदमी सही हो जाता है तो आपके पास थोड़े ही चीजें रहता है, लेकिन आप उसमें खुश रहते हैं। जब आप सही रहेंगे तो कहीं भी रहेंगे मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके पास समस्याएं रहेगी, आप परेशान रहेंगे, आप समस्याओं से ग्रसित रहेंगे, तो आपके पास कुछ भी रहे सब बेकार लगता है। तो दोस्त इसीलिए हम बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, अपना ख्याल जरूर रखें दोस्त। कोई भी काम करें, कोई भी आपका काम हो, लेकिन अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है दोस्त। अगर आप सही रहेंगे तो सब सही रहेगा, इसलिए अपना ख्याल जरूर रखिए दोस्तों। ये आप लोग से निवेदन भी है, क्योंकि ये चीज को मैं भी देखा हूँ, तो दोस्त मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ, इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखें। आप लोग का मुझे फिक्र है, आप लोग अच्छे से रहेंगे तभी मुझे भी चैन रहेगा कि नहीं यार मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी लोग अच्छे से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।